सकते हैं? ठीक है, ओके। तो इट्स गोइंग टू बी बहुत चैलेंज है क्योंकि मुझे बिल्कुल आदत नहीं है हिंदी की, बट मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि हम क्या सोचते हैं कोरोना और वो हमारी जिंदगी में व्हाट इफेक्ट इट हैज ऑन अस एंड हाउ वी रिलेट हम उसके साथ कैसे व्हाट इट डज। संदीप आई एम ट्राइंग बट आई एम जस्ट लाइक सो ड्रेंच्ड इन इंग्लिश सो वो। बट अगर अनिल जी को कोई सवाल है तो वो बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं, मैं हिंदी में जवाब दे दूंगी। बट ठीक है, अभी नेचुरली मेरा फ्लो है वो हिंदी में आना थोड़ा मुश्किल है, मैं जितना भी कोशिश कर सकती हूँ। ठीक ठीक है, ठीक। हाँ, है अब तो अभी अभी तो वो कनेक्ट नहीं हुए हैं। जब तक वो कनेक्ट कनेक्ट नहीं है तब तक आप इंग्लिश बोल सकती हैं, लेकिन जब वो कनेक्ट हो जाएंगे तो आप थोड़ा हिंदी बोलिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो आई विल प्रोबेबली ट्राई व्हाट दे कॉल इंग्लिश हिंदी और अंग्रेजी मिक्स करके कुछ प्रोबेबली हो जाएगा। तो व्हाट वी विल डू इज विल आई विल पोस्ट क्वेश्चंस एंड ईच ऑफ अस विल राइट अबाउट 5 सेंटेंसेस और ये 5 वाक्य हम लिखेंगे और उसके बाद आई विल गिव 5 मिनट्स, 5 मिनट में दे दूंगी आप सबको और मैं भी लिखने वाली हूँ और फिर हम सब पढ़ेंगे हमने क्या लिखा है और 5 सेंटेंस ही लिखना यानी कि ज्यादा मत लिखना सो दैट वी विल कवर मोर एरियाज, ज्यादा विषयों पर हम बात कर सकेंगे और लिख सकेंगे। और हम जितना हमने लिखा है उतना ही हम पढ़ेंगे यानी कि उसके ऐसे इम्प्रॉम्प्टू और कुछ एडिशन नहीं करेंगे सो दैट टू कीप इट फेयर फॉर एवरीवन। ठीक है तो पहला सवाल यह है कि राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ, जो भी इस क्षण में आपके मन में आता है आपके लिए जो भी हो कि मैं ऐसा हूं मैं ऐसी हूं मुझे ये चाहिए मेरा नाम ये है व्हाट एवर यू वांट। आपको हम हमको दर्शकों को आप प्रेजेंट करना चाहेंगे वो लिख दीजिए और देन वी विल गो सर्कल में जाके हम एवरीबडी विल रीड। सो आई विल गिव अबाउट 3-4 मिनट्स एंड जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी अगर जो भी बोलने वाले नहीं है वो भी लिख सकते हैं। आप निरुपमा जी, प्रोफेसर राजीव संगल आ गए, थोड़ा इनको बता दीजिए कि आप क्या एक्सरसाइज कर रही हैं, तब तक हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है नमस्ते जी। नमस्ते नमस्कार, नमस्ते धन्यवाद। सो वी आर बेसिकली ट्राइंग टू डू अ सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन आवर सेल्फ कोरोना। अच्छा, सो द वे वी विल प्रोसीड इज आई विल पोज अ क्वेश्चन एंड देन द पार्टिसिपेंट्स विल राइट अबाउट 5 सेंटेंसेस अबाउट इट, लाइक राइट नाउ एवरीबडी इज राइटिंग अबाउट 5 सेंटेंसेस अबाउट देयर सेल्फ एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर रिलेशनशिप एंड आवर कनेक्शन विद दिस फिनोमिना कॉल्ड कोरोना एंड देन वी गो इन अ राउंड रॉबिन फैशन एंड सो सर्कल में जाके एवरीबडी विल रीड एंड एवरीबडी विल रीड ओनली व्हाट दे हैव रिटन so that it keeps a certain composure instead of when you talk impromptu you just like try to spread a little bit here and there so because it's a self reflection exercise at the same time we are doing it in a group
तो देयर इज अ सर्टेन शेयरिंग एस्पेक्ट टू इट. सो देयर आर इंक्लूडिंग मी थ्री मोर पीपल विल बी बेसिकली रीडिंग देयर रिस्पॉन्सेस. बट यू आर ऑल्सो वेलकम टू राइट यू नो एंड पार्टिसिपेट. The first one is write 5 sentences about yourself. So whatever you share about it. Okay. Sorry for being late. Yeah, thank you. No issue. अरे भैया जी, नन्हा सिंह का अभी कोई फोन नहीं आया? नहीं, उनको किया गया होगा. नहीं, उतने टाइम तो हमने कहा था तो आया नहीं, तो आप जानकारी फिर कर लेते हैं. अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इसके बाद. Is everybody ready in the circle? हाँ जी, हाँ जी. अंकित, आप ready हो? हाँ जी, हाँ जी. और we have प्रवीण जी ना, we have one more person. प्रवीण, are you ready? जी. Okay, all right. So let's start with Sandeep. Please read, Sandeep. आप पढ़िए. आपने तो भी आपके बारे में है. जी. इस समय मैं बहुत लाचारी महसूस कर रहा हूं, नंबर एक. नंबर दो, घर पर रहने से आलस आता है. मतलब मेरी आदत है कि मैं ज्यादा बाहर घूम के काम करता हूं, तो घर पे रहने से ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा सो रहा हूं और ज्यादा खा रहा हूं. नंबर तीन, परिवार वाले जरूरत से ज्यादा डर पैदा कर, मतलब सामाजिकता खत्म हो रही है. कोई बाहर से आ नहीं सकता मिलने, आप बाहर नहीं जा सकते मिलने. तो ये जो सामाजिक दूरी कहते हैं, ये असल में तो भौतिक दूरी है. मतलब आपको कुछ दूरी बना के रखनी है, लेकिन जो सामाजिकता है वो भी खत्म हो रही है. मतलब आप लोगों से मिल नहीं सकते. और पांचवी चीज है ये कि ये कहा जा रहा है कि मास्क पहनिए, लेकिन मास्क पहनने से मुझे तो घुटन होती है, तो मैं मास्क नाक के नीचे कर लेता हूँ और मेरी पत्नी हमेशा डांटती है कि ये मास्क पहनने का कौन सा तरीका है. पर मुझे घुटन लगती है. मुझे लगता है कि कोरोना में तो ऑक्सीजन जरूरी है बहुत, तो जब तक हम खुली हवा में सांस नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा हमारे शरीर में. डेफिनेटली, थैंक्स. या जस्ट टू नोट दैट डोंट ऐड एनीथिंग मोर देन व्हाट यू हैव रिटन. ओके. Okay, just to keep the flow of the. आपकी आवाज नहीं आ रही. मेरी आवाज नहीं आ रही? Oh, hold on. आ रही है. नहीं आ रही, आ रही. आप हिंदी में बात करें तो अच्छा लगेगा, हमारी भी समझ में आएगा. नहीं, मैंने उनको पहले बता दी. आप मुझे सुन सकते हैं अभी? हाँ, आ रही आवाज. ठीक है, अभी अंकित आप जाइए. हाँ जी, हाँ जी. फर्स्ट है कि आई एम एन इंजीनियर. सेकंड है कि अपेरेंटली आई एम वर्किंग फ्रॉम होम दीज डेज. थर्ड इज आई टर्न माय कैमरा ऑफ बिकॉज आई हैव ब्रोकन माय ट्राइपॉड स्टैंड. फोर्थ इज आई एम करंटली स्ट्राइविंग टू फाइंड एन आइडेंटिटी. एंड फिफ्थ इज आई एम प्रेजेंटली रीडिंग द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड डेवलपिंग अ पेंशेंट फॉर ऑटोबायोग्राफीज. ग्रेट. ऑल राइट. और प्रवीण जी, पांच पॉइंट मैंने लिखे हैं. प्रवीण जी, माइक ऑफ हो गया.
प्रवीण जी माइक ऑफ है आपका, आपका माइक ऑफ है। हेलो हेलो, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। जी मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा एक पहला तो मेरे दिमाग में जो आ रही है बात की हमारे सोशल कॉन्टेक्ट बहुत कम हो रहे हैं, मतलब जितना हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उतना हो नहीं पा रहा है। और दूसरा ये है कि ऐसे में मुझे थोड़ा शांत और कंपोज रहना चाहिए, इरिटेट नहीं होना चाहिए और मुझे डरना नहीं चाहिए। लोग सोसाइटी में घर पे बहुत डराने की भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन डरना नहीं चाहिए और लोगों की जितनी संभव हो अपने स्तर से हेल्प करनी चाहिए और ये विचार रखना चाहिए हमेशा मन में कि ये सारी स्थितियाँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। ये पॉइंट वेरी नाइस, थैंक यू। So I will read what I have written and मेरा थोड़ा सिंपल सा है। मेरा नाम अवंतिका है, मेरी पढ़ाई टेक्निकल फील्ड में हुई है लेकिन MS और MSc करने के बाद मुझे एक emptiness महसूस हुआ जो बहुत ही सरप्राइजिंग था। अभी मैं पेरेंटिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनिक क्षमता इन दो चीजों में पढ़ाई और टीचिंग दोनों कर रही हूँ। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज व्हाट डज कोरोना मीन टू यू पर्सनली, आपको पर्सनली कोरोना आपके लिए क्या माने रखता है, व्हाट डज कोरोना मीन टू यू पर्सनली। पांच सेंटेंस हम लिखेंगे। I'll give you one more minute to finish. Mera ho gaya hai. Acha, yeah, I'm not sure if Ankit and Praveen, are you done? Haan ji, haan ji, I'm done. Main bhi bolu kya? Haan, mujhe lag raha hai ki Avantika ji. Yes. अगर आपको तीन ही पार्टिसिपेंट चाहिए तो मेरी जगह अगर राजीव संगल जी हो जाए तो कोई दिक्कत है? अरे नहीं नहीं सॉरी, नहीं नहीं आप कीजिए क्योंकि आप पहली बार आए हमारे फोरम पे, मैं चाहूंगा आप ही बोलिए। अवंतिका जी आपको दिक्कत तो नहीं? एनीथिंग इज फाइन, श्योर मिस्टर, या श्योर, मेरी जगह राजीव संगल जी बोलिए। ठीक है ठीक, श्योर, ग्रेट। पहला
पहला पढ़ सकता हूँ, दूसरा दोनों लिख लिए। पहला और दूसरा दोनों के जवाब पढ़िए। ठीक है, मैं पहले समझ नहीं पाया, आपने कहा कि पांच बातें लिखनी है अपने बारे में। वो कोरोना का संदर्भ था, मुझे लगा वो जनरल है, तो शुरू में मैं जनरल बात लिखने लगा, फिर स्पेसिफिक भी लिखा है। पहला, मैं सबकी बात सुनता हूँ बहुत ध्यान से, प्रयास करता हूँ कि जिस दृष्टिकोण से बात कही जा रही है उस दृष्टिकोण से उसे समझ सकूं। दूसरा, मुझे लगता है मुझमें धैर्य है, दूसरा कोई बुरा भला भी कहे तो सुन सकता हूँ बिना उत्तेजित हुए हुए। तीसरा, करने के लिए बहुत कुछ है आज भी, और पिछले कुछ 15 दिन से घर में ही रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि सबसे जुड़े हुए हैं इसलिए करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सातवीं कक्षा के बच्चों को मैं सामाजिक जीवन पढ़ा रहा हूँ NCERT की पुस्तक से, बहुत अच्छी पुस्तक है और बहुत सारी चीज़ें मुझमें खुल रही हैं कि इस पुस्तक में बहुत अच्छी है लेकिन कुछ हिस्सा एक मिसिंग है, उसको कैसे दिया जा सकता है जिससे पूरकता हो। और ये कक्षा फेस टू फेस चली है 15 दिन पहले तक, पिछले साल शुरू हुई थी जबकि कोरोना बहुत फैला हुआ था, लेकिन तब से चल रही है वो, तो 6ठी 7वीं 2 पुस्तकें पूरी की हैं। अभी कोरोना काल में आयुर्वेद में विश्वास बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर गिरिजा जो चेन्नई में आयुर्वेद की फिजिशियन हैं, उनका लेक्चर और जो उन्होंने करीब 500 लोगों को ट्रीट किया है और एक भी उसमें गंभीर नहीं हुआ, और बहुत मुश्किल केसेस थे जिनको को मोरबिडिटीज़ थी, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, एज 93 ईयर्स, इन सबको उन्होंने डील किया और एक भी कोई क्रिटिकल नहीं हुआ, तो ये तो उसमें मेरा विश्वास बढ़ गया है। और तो ये 5 चीज़ें मैंने लिखी थी। मुझे लगता है कि कोरोना एक ज्वर है, थोड़ा असामान्य होगा पर इतना भी असामान्य नहीं है जितना कि डर पैदा हो गया है। अपने बारे में कहूँ तो पिछले वर्ष बिल्कुल भी डर नहीं था, जबकि पूरा सब बंद था, हम तो बड़े आराम से लोगों से मिल रहे थे, पर अभी 15 दिन में ज़रूर थोड़ा एक्स्ट्रा केयर ले रहे हैं, पर ये लगता है कि अगर इसको ठीक से मैनेज किया जाए तो ये घातक नहीं है। बीमार हो सकते हैं हाँ, लेकिन ये घातक नहीं है, इसको हम डील कर सकते हैं आयुर्वेद के द्वारा। came little late, so just a reminder, write 5 sentences and only 5 sentences, okay? So उसको आप ज़्यादा elaboration जो लिखा नहीं है वो while you speak आप मत कीजिए। तो वैसे मैंने लिखा है, हाँ, वही पढ़ा है जो लिखा है। तो बहुत ही अच्छा, मुझे आप थोड़ा elaborate कर रहे हो, तो it just a reminder सबके लिए, but thank you. देखिए ये हम प्रोफेसर लोगों की प्रॉब्लम है वो, ये तो अभी दिस थिंग प्रवीण जी आप पढ़िए। प्रवीण जी, जी जी मैं बता रहा हूँ जी। पहला तो ये है कि कोरोना फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत दुखद है कि मेरे बहुत ही प्रिय लोगों को मैंने खोया है इस बीच साल भर में। मेरे मौसा जी नहीं रहे, मेरे मामा नहीं रहे, और अभी मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ नहीं रही। काफ़ी क्लोज लोगों को मैंने इसमें खोया है, और मुझे लगता है ये दूसरा पॉइंट है कि एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए, शायद मैं इस कोरोना की चीज़ों को भूल नहीं पाऊँगा लंबे समय तक। और तीसरा मुझे लगता है कि ये एक लेशन है जो नेचर ने हमको सिखा रही है कि हम नेचर। प्रवीण जी आपका माइक ऑफ हो गया, ये लेशन को सीखना चाहिए जी। हाँ जस्ट आप लास्ट सेंटेंस फिर से पढ़िए, माइक आपका सडनली ऑफ हो गया था। जी जी, लास्ट सेंटेंस था कि ये नेचर से हमको ये लेशन सीखना चाहिए, नेचर को जिस तरीके से हमने डिस्टर्ब किया ह्यूमन बीइंग ने, तो उसका मुझे लगता है कि शायद उसी का ये कॉन्सिक्वेंस है। वेरी नाइस, थैंक यू। या अंकित? हाँ जी, हाँ जी। सो माय फर्स्ट इज लाइक फियर ऑफ लॉस, लॉस ऑफ लव्ड वन। सेकंड इज सेपरेशन,
can't meet a friend. Third is helplessness. Like if loved one is getting sick, you can't do much about it in this scenario, in present scenario. Fourth is liberty. Like if you are exposed to it, you can get leave from the office. And fifth is kind of like anger for evident apathy of our supreme leader. Okay. All right. What I have written is, it feels like an awakening to me. The whole life, जब हम पूरा चलाते हैं, वो एक military industrial complex से चलाते हैं, यानी कि military activities हमारे life में अहम है, सब औद्योगिक चीजें, industrial चीजें अहम हैं, और आजकल सब युद्ध बंद है, युद्ध की बातें बंद है, so जो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और दूसरे लोगों का, दूसरे लोगों के हेल्थ चॉइसेस, यानी कि वो अपनी अपना केयर कैसे करते हैं, वो मुझ पर कैसा असर होता है, ये अभी ज्यादा सामने आ रहा है. सो दिस इज माय टेक. अच्छा, सो द नेक्स्ट वन इज, व्हाट चेंजेस यू हैव मेड इन योर थिंकिंग एंड लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ कोरोना. I'll read again. What changes you have made in your thinking and lifestyle because of corona? So, corona ki wajah se aapki soch mein aur behavior mein, lifestyle mein, kya badal aaya hai? Is everybody done? Yeah, I need one more minute. Haan ji, Vandika ji, I'm done.
ओके एंड प्रवीण आपका हो गया? ये मेरी वाइफ भी जुड़ी हुई है, वो चाहती है इस बार वो पॉइंट रखना चाहती है, रश्मि श्रीवास्तव अगर पॉसिबल। आपकी वाइफ क्या, एक्सक्यूज मी, वो जुड़ी हुई है आपसे? ओह अच्छा, वेरी नाइस, वेरी पॉइंट रखना चाहती है रश्मि श्रीवास्तव। ओके वेलकम। ओके सो राजीव जी आप पढ़ेंगे पहला। हाँ, मुझे लगता है कोई मूलभूत बदलाव सोच में तो नहीं आया है, परंतु सोचना और ज्यादा और गहरे से हो पाया है। फालतू कहना चाहिए वैसे कई काम कम हो गए हैं, विशेष रूप से यात्रा कम हो गई है, से समय बचा है, पर कभी कभी इस यात्रा की आवश्यकता भी महसूस होती है। लेकिन मुझे लगता है सम टोटल में यात्रा में ज़्यादा समय व्यर्थ ही जाता था, प्राणायाम व योगा नियमित हो गया है, ये बदलाव आया है। वेरी नाइस। या अंकित? हाँ जी, द फर्स्ट इज लाइक आई स्टार्टेड रीडिंग मोर ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड आर्टिकल्स एंड बुक्स एंड फाइंडिंग दोस लोस्ट इमोशंस। सेकंडली आई स्टार्टेड टेकिंग प्रिकॉशंस मोर सीरियसली। Thirdly, so like I want to do something of concrete value, like before closing my eyes, and like fourth is more action, less passiveness, and fifth is to value people, especially loved ones. Very important. Yeah. All right. Okay. Praveen. Ji. आपका वीडियो ऑफ है, आप रख चाहे तो रख सकते हैं, बट वीडियो ऑन करेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। गुड इवनिंग मैम। मैम थिंकिंग में ये है कि कोरोना ने ये समझा दिया कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, छोड़ सकते हैं, बहुत ऐसी फालतू की चीजें हैं जिसमें हम इन्वॉल्व थे। दूसरे हम फालतू में बहुत चीजों में बिजी थे तो लोगों से कांटेक्ट हमारे कम हो गए, तो उनकी वैल्यू समझ में आने लगी है कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। और तीन में घर का जो टाइमिंग थे हर चीज की वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है ऊपर नीचे, और साफ सफाई का भी जैसे हमारे पहले पेरेंट्स कहते थे कि किचन में ऐसे नहीं आना, ऐसे आना, ये हाथ धोना, वो करना, वो हो गया है। और बच्चों को हर वक्त ये कहते रहना स्क्रीन से हटो, कोचिंग भी उसी पे होती है और पढ़ाई भी, स्कूल भी उसी से होता है, तो ये लाइफस्टाइल में चेंज है। अच्छा अच्छा, वाव। तो क्या आप प्रवीण जी की जगह आप पढ़ने वाली हैं अभी? हाँ, अभी इनको कहीं काम से जाना है तो... अच्छा, मैंने लेकिन वो पहले के तीन आपके लिखे हैं, बोला नहीं है क्योंकि वो बोल रहे थे। ठीक है, समय रहेगा तो हम वो भी पढ़ लेंगे। बट वेलकम वेलकम टू द दिस कन्वर्सेशन। ओके ऑलराइट, सो व्हाट आई हैव रिटन इज आई एक्चुअली फेस रियलिटी ऑफ फियर एंड लॉस वेरी क्लियरली फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले बार मैंने डर और किसी को खोना ये ज्यादा क्लियरली महसूस किया, और अब मैं थोड़ा यू नो इवन इफ आई स्नीज मैं थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेती हूँ, पहले तो मैं इग्नोर करती थी। मुझे गेहूं खाने से, व्हीट खाने से हमेशा पेट में थोड़ा दर्द होता था, फिर भी मैं खाती थी। अभी मैंने 90% गेहूं खाना छोड़ दिया है। सो ये मेरा रिस्पॉन्स है। सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट चेंजेस हैव यू सीन अराउंड यू बिकॉज ऑफ कोरोना। व्हाट चेंजेस हैव यू सीन अराउंड यू बिकॉज ऑफ कोरोना। कोरोना की वजह से आपके आजू बाजू में
आपने क्या बदलाव देखा है? ये मेरा मोबाइल जिसमें मैं अपना अपना वीडियो को वो करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हैं आप? अच्छा, आई गिव वन मोर मिनट टू फिनिश। यस मैम। ओके ओके। ठीक है, हो गया, मैं समझ गया। अच्छा, एवरीबॉडी रेडी? हाँ जी। श्योर। सो शिखा जी, डू यू वांट टू गो? आप पहले जाइए। रश्मि जी, उनका नाम रश्मि है, उनकी उनकी पत्नी का। ओ अच्छा, वहाँ शिखा श्रीवास्तव आया था, सो मुझे लगा था वो शायद उनकी बहन। अच्छा, तो उनका नाम रश्मि है। अच्छा रश्मि, आप पढ़ोगे पहला? जी, अब बाहर जैसे हम लोग पहले मिलते जुलते थे, वो मिलना बंद हो गया है। लोग दूर दूर खड़े होते हैं, बच्चे बिल्कुल भी बाहर खेलते नहीं है, नहीं तो शाम को बहुत रौनक रहती थी। हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, टच सेंसिटिव हो गए हैं, सब चीज सैनिटाइज होती रहती है,
और अपनी छोटी छोटी हेल्थ से रिलेटेड चीजें छुपाते हैं, जैसे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं है, ये चीज है. Yeah, true, true, so true. So, Sangal ji, आप जाएंगे अभी? हाँ, संदीप जी के, मैंने संदीप जी का स्थान ले लिया, वो बताना चाहेंगे क्या, एक बार पूछ ले उनसे. मैंने भी लिखा है लेकिन आप बोलिए. अच्छा, एक लाचारी सी महसूस हुई है लोगों में, खासकर जब प्रियजन मुश्किल में है, भय का वातावरण एक बन गया है, विशेष रूप से अभी इस बार पिछले 15-20 दिन में. सामाजिकता सिकुड़ गई है करने के स्तर पर, सोचने पे है और बोलने पर तो बहुत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल फोन के माध्यम से सब जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, लेकिन करने के स्तर पर सामाजिकता कम हो गई, ये बदलाव दिखता है. Very much. This touching all fields, no? Yeah. All right, Ankit. हाँ जी हाँ. The first is people have started wearing mask. Second is mask also is developing a fashion sense. Third is people have become more health conscious. Fourth is people do less of handshakes and hugs. And fifth is petrol and diesel prices have skyrocketed only in India. Okay. All right. So, Sandeep, आप पढ़ना चाहोगे? अगर माइक ऑफ. हाँ, नहीं, मैंने ऑन कर लिया. जी, जो बदलाव आए हैं उसमें एक तो ये दिख रहा है जो प्रकृति में आया है कि प्रकृति में हमें हवा साफ दिख रही है. मैंने बहुत दिन के बाद देखा कि ये गौरैया नाम की चिड़िया होती है, ये एकदम गायब हो गई थी, लेकिन वो अचानक मुझे अभी 2-4 दिन पहले अपने घर में एक नहीं बल्कि 2 दिखाई पड़ी. तो ये बड़ा एक रोचक पहलू है कि एक पक्षी जो गायब हो गया था वो दिखाई पड़ा. लेकिन गरीब लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है, वो जो दैनिक मजदूरी करने वाले हैं, दैनिक कमाने वाले. परिवार में ज्यादा समय मिल रहा है. पहले परिवार वालों को शिकायत थी कि परिवार में समय नहीं देते थे, अब तो परिवार में समय दे रहे हैं. और जो राजीव जी ने पहले बात कही थी कि बहुत सारी गैर जरूरी चीजें थी वो कम हो गई, जैसे लोगों के साथ बैठ के बात करना और अनावश्यक आना जाना, वो सब बहुत सारे काम अब फोन पे हो जा रहे हैं, जिसके लिए पहले जाना पड़ता था कहीं. और लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं संकट के समय में, लोग निकल के आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं दूसरे. ये मैं परिवर्तन देख रहा हूं. जी. यस. सो मेरा हो गए हैं, कचरा ज्यादा फ्रीक्वेंटली उठाया जाता है. जहां मैं रहती हूँ पांडिचेरी, वो इंटरनेशनल टूरिस्ट टाउन है और अभी बिल्कुल टूरिज्म नहीं है, तो एयर पोल्यूशन कम हो गया है. यहाँ मानसून के लास्ट ईयर 2 सीजन हो गए हैं, जिसकी वजह कम एयर पोल्यूशन है ऐसा मुझे लगता है. All right. So let's see how we are doing on time. 7:39. Okay, so we can do a few more. So what the next one is, what was your response in 2020 for Corona? So write 5 sentences of 2020 में जब कोरोना आया था तब आपका क्या रिस्पॉन्स था, यानी 1 साल पहले. मतलब किस चीज के ऊपर रिस्पॉन्स? किस चीज के लिए रिस्पॉन्स? जो भी कि ये क्या है, एक ऐसा है वैसा है, गवर्नमेंट ऐसा है गवर्नमेंट वैसा नहीं है, एक
अंदर बहुत यू नो रिलेटेड टू, और ये लोग ज्यादा ही कुछ बकवास से मास्क पहन रहे हैं, ये तो कुछ भी हो सकता है ना. हां जी. तो 2020 में आपका क्या स्टेट था जब कोरोना आया था, तब आपके मन में क्या विचार थे, आपने कैसा रिस्पॉन्ड किया था? ओके. भैया जी, गांव पर हम कुछ कहना चाहते थे. ये अनिल जी खत्म हो जाए उसके बाद बात करेंगे. अच्छा. 8 बजे ये जो जो सत्र का संचालन कर रही है ये चाह रही है कि और कोई बातचीत अभी ना, वो हम 8 बजे करेंगे. I'll give one more minute.
हो गया सबका? हेलो जी, हो गया? जी, हाँ जी, ठीक हो गया। अंकित आप जाओगे पहला अभी? हाँ जी, हाँ जी। So for first is I developed slight fear, like if I go out then police maregi, etc. Second is in lockdown I read some unread books. Third is I slept late and woke up late. Fourth is I watched Ramayana and Mahabharat. And fifth is I also experienced dejection. Okay. Sandeep, do you want to go next? मैंने ये लिखा है कि पहले तो मुझे लगा कि ये इस पे अविश्वास हुआ कि ये कोई ये ऐसा कोई बहाना बनाया जा रहा है, कोई नकली चीज लाई गई है जिसका मकसद ये है कि सरकार हमारे लोकतंत्र को खत्म करना चाहती, और खास करके जो पुलिस का रोल था, जिस तरह से पुलिस ने लोगों को, जैसे अंकित बता रहे थे कि लोगों को निकलने भी नहीं दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये लोकतंत्र को खत्म करने के लिए कोई खेल खेला जा रहा है। दूसरा ये दिखाई पड़ा कि जो समाज का जो संभ्रांत वर्ग है उसने गरीब वर्ग से दूरी बना ली, तो अपने हिंदुस्तान में जो एक एक जाति व्यवस्था है उसके आधार पर जो छुआछूत की बात है उसको और मजबूत कर दिया। जैसे घर में जो काम करने आने वाले लोग थे उनको उनके आने पे रोक लग गई और इस तरह की चीजें, और तो ऊंच नीच की व्यवस्था मजबूत हो गई। और ये भी दिखाई पड़ा कि जो पैसा कमाने वाले जो काम थे वो धीरे धीरे करके वो तो सब वापस चालू हो गए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जब लॉकडाउन खत्म किया गया तो सबसे पहली चीज जो शुरू की गई बाजार में वो शराब थी, क्योंकि शराब में बहुत पैसा है, तो शराब खुल गए, प्राइवेट स्कूल खुल गए, ये सब खुल गए। अभी देखिए आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, हाँ, तो ये जितने पैसा कमाने वाले काम थे वो सब चालू हो गए जी। सो हु वुड लाइक टू गो नेक्स्ट, इधर रश्मि और प्रोफेसर सरगो, आई गिव योर चॉइस। ठीक है। okay. पिछले वर्ष संदेह तो बहुत सारे आए थे, लेकिन बहुत जीने में बहुत फर्क नहीं पड़ा था। हम एक नई कम्युनिटी में आए थे जहाँ 100 लोग रह रहे थे, कॉमन किचन था, भोजन एक साथ ही बनता था, सब खुद ही बनाते थे मिलके, तो स्थितियाँ एक तरह से बहुत सामान्य थी, कोई मास्क नहीं कुछ नहीं, जब 100 लोगों के साथ रह रहे हैं तो ये सब तो हो नहीं सकता था। इस बार जो है फिर धीरे धीरे हम वहाँ से आ गए और एक सामान्य कॉलोनी में आ गए, तब काफ़ी चीज़ें सामान्य हो गई थी। बस पिछले 2 सप्ताह से ये 15-20 दिन में एकदम परिवर्तन आया, और पहली बार मैं मास्क लगा रहा हूँ, जब बाहर जाता हूँ तो मास्क लगाता हूँ, पहले तो वो भी नहीं लगाता था, हालांकि जेब में ज़रूर रखता था, तो पिछले वर्ष इतना नहीं था। और मेरी कुछ परिस्थितियां विशेष थी इस कारण भी शायद। Is somebody playing music? Whoever playing music can you? हमें लग रहा है वो प्रवीण जी का फोन ऑन है। प्रवीण जी तेरा फोन बंद कर लीजिए। या हेलो। आई एम फोन का। ओके। सॉरी। ठीक है। मेरा हो गया। ओके। ऑलराइट। पहले थोड़ा प्रिकॉशंस लेते थे, ज्यादा नहीं लेते थे, सीरियस नहीं थे, उस समय डर नहीं था, अब डर है। लॉकडाउन के लिए घर के लिए भी थोड़ा लॉकडाउन सोच सुन के ये लगा कि अब कभी मतलब कुछ मिलना नहीं है, तो थोड़ा घर का सामान भी एडवांस में लेके रखा था, और घर बच्चों की अचानक से जो छुट्टी मिली उसको एंजॉय किया, खूब सारी डिशेस बनाई, और राशन बटा था तो पैकेट्स पैक करना ये सब था, और लोगों को बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेते देख थोड़ा फनी भी लगता था। हम्म,
True, true, yeah. What I've written is, दो दिन सब्जियां नहीं मिली थी तो अचानक एक थोड़ा गरीबी का एक छोटा एक्सपीरियंस हो गया और तब चाइना ने ये संकट दुनिया पे लाया है ऐसा एक मुझे लगा था और हमारे लाइफ टाइम से पहले दो महायुद्ध हो चुके हैं तो अभी ये पूरी समाज का महायुद्ध होगा क्या ये शक मेरे मन में पैदा हो गया और लोग नेचर का प्रकृति का ज्यादा ख्याल नहीं रखते हैं अब बिकॉज ऑफ कोरोना ज्यादा बदलाव आएगा क्या ये सवाल मेरे मन में तब आया था ओके सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे विच इज व्हाट इज हेल्थ व्हाट इज हेल्थ जरा एक बार फिर से बोल दीजिए सवाल सवाल इज व्हाट इज हेल्थ प्रकृति स्वास्थ्य क्या चीज है राइट हेल्थ हेल्थ का ट्रांसलेशन क्या होगा हिंदी में स्वास्थ्य 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 या सो प्रकृति स्वास्थ्य क्या है हेल्थ व्हाट इज हेल्थ I'll give you one more minute, 1 minute or स्वास्थ्य का मतलब मुझे ये लगता है कि एक तो हमारा शरीर जो है सक्रिय होना चाहिए
उसमें कोई आलस जैसी चीज ना लगे, अंदर से हमें अच्छा लगना चाहिए, जो हमारा चैतन्य है वो उसको अच्छा लगे, तभी हम स्वस्थ महसूस करेंगे। और शरीर से श्रम होते रहना चाहिए। ये जो आधुनिक जीवन है इसमें बहुत सारे लोग श्रम नहीं करते, तो जैसे मैं अपने जीवन में जितना ज्यादा साइकिल चला सकता हूँ चलाता हूँ। मैं अनिल मिश्रा जी की तरह खेती नहीं करता हूँ इसलिए मैं साइकिल चलाता हूँ। और खाने पीने और शौच की जो पूरी साइकिल है वो स्मूथली चलनी चाहिए, उसमें कोई ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और पर्यावरण के साथ हमारा तालमेल होना चाहिए, जो भी हमारा आसपास का पर्यावरण है, तो हमारा जीवन ऐसा हो कि उसके साथ तालमेल हो। मतलब अगर हम एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं या ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपना तालमेल उसके साथ गड़बड़ कर रहे हैं। तो कम से कम प्रदूषण हमारे जीवन पद्धति से हो, ऐसा स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी। वेरी नाइस, कवर्ड लॉट ऑफ पॉइंट्स। या राजीव। हाँ इसको स्वास्थ्य को तो संपूर्णता में ही देखना चाहिए, जैसा अभी संदीप जी ने कहा। तो इसमें पहली चीज है आहार, इसमें भोजन भी है, पानी भी है, हवा भी है, साफ हवा हो वो पर्यावरण ठीक होगा तभी हो पाएगी, पर भोजन और जिसमें शुद्धता जितनी ला सकते हैं। दूसरा विहार, डेली रूटीन, उसमें शौच भी है और उसमें जो भी काम करते हैं रेगुलरिटी हो, नियमितता हो। तीसरा श्रम है, जो कि मेरे जीवन में तो उसकी कमी है, और जिस उम्र में है तो आप बहुत श्रम कर भी नहीं सकते हैं, तो उसके बदले में जितना व्यायाम से काम हो जाए उतना कोशिश करते हैं, योग से, प्राणायाम से। और चौथी चीज़ जो मुझे लगी, मानसिक शांति। तो अपने मन अगर अच्छा है तो बाकी चीज़ें भी फिर ठीक रहती हैं, और मन अच्छा लगता है जो पता चलता है। अगर मन उत्तेजित है, बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो फिर जो अपने शरीर के अंदर हो रहा है उसका भी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसको भी नहीं देख पाते। Again, I think somebody is making sound. I'm not sure. किसका फोन? वो जिनका भी है आप थोड़ा बंद कर दीजिए. Yeah. Okay. Rashmi, want to go? Yes, ma'am. मेरे हिसाब से health सिर्फ body की health नहीं होती है, mind, body, soul तीनों का harmony में होना health है. अगर शरीर को कोई बीमारी है भी और अगर माइंड स्ट्रांग है तो वो उसको इजीली टैकल कर लेता है, हैंडल कर लेता है। माइंड का हेल्थ उसके इमोशनली या ईक्यू पे, इमोशनल क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। और सोल यानी सोल की पावर, जैसे प्योरिटी, हमें प्योरिटी पसंद है, पीस पसंद है, तो ये सब हमारी सोल की पावर है। तो अगर ये तीनों चीजें हमारे पास रहती है तो हम कंप्लीट हेल्थ में रहते हैं। और कोई चीज थोड़ी ऊपर नीचे हो भी जाती है तो भी वो आसानी से हैंडल हो जाती है। और अगर ये सारी चीजें हैं तो हमारी इन चीजों का असर हमारे आसपास के नेचर पे भी पड़ता है, तो वो भी उतना ही हमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करता है। रीजन फॉर योर फैमिलीज हैप्पीनेस एंड वाइस वर्सा। फोर्थ इज हेल्थ इज लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड बट इट इज ऑल दैट मैटर्स। एंड फिफ्थ इज हेल्थ इज लाइफ फोर्स। It instigates you to manifest things. So my response is, what is health? Is it absence of disease? Is physical health possible without emotional health, mental health? Can only few people be healthy and others fight poverty and inequality in a society?
इन द सोसाइटी इफ एनीबडी डिविजन हेट्रेड पैदा कर रहा है तो उस समाज के लिए क्या हेल्थ मुमकिन है. सो विद दिस क्वेश्चन एंड आवर आंसर्स वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. ओके सो थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग राइटिंग. ऑल राइट सो संदीप यू कैन टेक ओवर नाउ एज वी आर फिनिश्ड फॉर दिस सेशन. मैं कह रहा था कि आपकी आपके सेशन में सिर्फ ये यही था क्वेश्चन आंसर, मतलब इस पे कोई डिस्कशन भी करेंगी या कुछ इसका एनालिसिस वगैरह. मुझे ऐसा लगता है कि डिस्कशन कर सकते हैं बट मुझे तो यूजुअली लोग यू नो जो मुझे लगता है कि वो ऐसे कंपोज्ड एंड एक ऐसे नहीं रहता है बट वी कैन ट्राई. यू हैव अ मीटिंग फॉर 15 मिनट्स सो हम 15 मिनट के लिए ट्राई कर सकते हैं डिस्कशन. नहीं मतलब जो जवाब हम लोगों ने दिए उसका आप कुछ एनालिसिस भी करेंगी, कुछ अपने अपनी तरफ से कुछ कमेंट्स करेंगी. यू नो बहुत आपने सब लिखा है और इतना एग्जैक्टली मेरे अंदर सभी नहीं गया है बट मैं एक जरूर कहना चाहूंगी कि एक कोरोना जो है और एक ऐसे बीमारी वी आर फेसिंग एंड द बैकग्राउंड लाइफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ एग्जिस्टेंस क्या है. यू नो आई थिंक अनलेस वी अंडरस्टैंड एंड अनलेस वी हैव अ क्लियर कनेक्शन टू एग्जिस्टेंस क्या है बिकॉज बॉडी इज नॉट द ओनली एग्जिस्टेंस. वी हैव इमोशंस देन वी हैव द माइंड then we have our light, our spirit. So whatever happens in the moment today this year uska ek bada jo life ka experiment chal raha hai in uske context mein ye kya cheez hai aur human life ka maqsad kya hai iska क्लैरिटी अनलेस क्लैरिटी हमें नहीं है तो मुझे लगता है कि कोरोना के साथ हम बहुत ही लिमिटेड वेज से हम डील कर सकेंगे क्योंकि वैक्सीनेशन आया है और एक समाज में एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि वैक्सीनेशन कोई गॉड है बट वैक्सीनेशन भी हर एक वायरस के लिए अलग वैक्सीनेशन होता है एंड देन यू नो डॉक्टर फॉसी वो जो अमेरिका के हेड हैं ही इज सेइंग दैट कि नहीं ये काम करेगा भारत बायोटेक का जो वो सभी के लिए इंडियन वेरिएंट के लिए भी काम करेगा बट प्रूव थोड़ी हुआ यू नो एंड क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ऑल दैट. एंड मुझे ऐसे लगता है कि वैक्सीनेशन का भी जो एक मशीनरी है वो भी पूरा वेस्टर्न माइंडसेट जो है विच इज अगेन गोस टू द मिलिट्री इंडस्ट्रियल माइंडसेट कि ऐसे उन्होंने कैंसर के प्रति वो लोग युद्ध कर रहे हैं. यू नो कैंसर जो है वो चीज क्या है बॉडी के लिए वो क्या है बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद के खिलाफ चला जा रहा है और उसके खिलाफ ये लोग युद्ध कर रहे हैं तो वो एक बहुत ही माचो माइंडसेट से विच इज वेरी मेंटल मैस्कुलिन माचो माइंडसेट से हम लोग सब डील करते हैं और उसका ही अभी द मेन rule of the day is this the mind the rational mind. So unless we move away bring more feminine aspect of ourselves because both men and women the both the feminine and masculine parts, both have both parts we come from mother and so unless we look at the बिग पिक्चर ये स्मॉल पिक्चर्स में रहने काम नहीं होगा. ये मुझे लगता है कि ये कोरोना ने हमको थोड़ा सिखा दिया है. तो anybody else wants to add few of their insights. एक चीज मैं ऐड करूं पर्यावरण ने ये सिखाया कि पृथ्वी एक ही है और सबकी एक ही है. पहले वो सोचते थे एक्सपोर्ट कर देंगे
हैजर्डस वेस्ट, अब पता चला कि पूरी हवा में ही सारा हैजर्डस वेस्ट आ गया। कोरोना ने सिखाया मानव जाति एक है, मानव जाति का शरीर तो एक ही है, और उसके बाद सोच भी मेरे विचार से एक है, पर वहां तक पहुंचना है, अच्छी सोच एक ही है और सहस्तवादी है, तो ये वहां तक अभी पहुंचना बाकी है, पर इसने ये सिखाया कि मानव जाति एक ही है। How about you, Ankit? Do you have any closing? I just want to say one thing. हम like कहते हैं कि इंसान एक है, पर जैसे संदीप जी ने पॉइंट किया था कि जैसे जो हमारे मजदूर थे, श्रमिक मजदूर थे, उनका जिस तरह से ट्रीटमेंट हुआ था कि एक वर्ग ने जो हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह है, उन्होंने एक तरह से मुंह मोड़ लिया था उनसे और उनको छोड़ दिया था। जो मजदूर थे जिन्होंने जिनकी वजह से कंपनी चलती है, जिनकी वजह से लोग इतना प्रॉफिट कमाते हैं, एंड उनकी इतनी बुरी हालत हुई थी, तो देख के सुन के काफी बुरा लगता है। और उस टाइम पे ये भी हुआ था कि जो हमारा अलीट वर्जन है, इवन मिडिल क्लास ऑल्सो, उन्होंने होर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, चाहे वो खाने की चीजें हो या फिर खाने की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कन्फेक्शनरी, सभी चीजों की होर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, जो अभी भी हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होगी, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की होगी, इवन जो उसके ऊपर मास्क होता है, जो मास्क रेगुलेटर वगैरह होता है, ऑक्सीजन मास्क के ऊपर लगता है, उसकी भी होर्डिंग स्टार्ट होगी है, रेमडेसिविर की होर्डिंग स्टार्ट होगी है। एंड इवन आई वाज रीडिंग टुडे एन आर्टिकल जिसमें था कि जो इंडिया के एलीट पीपल है, दे हैव लेफ्ट इंडिया एंड दे वेंट अब्रॉड। सो आई थिंक ये वी हैव टू रिड्यूस दिस गैप ऑल्सो। ये कोरोना वायरस की वजह से वो गैप काफी विजिबल हो गया कि काफी बड़ा गैप है हमारे रिच के बीच में, पुअर के बीच में। एंड जब भी कोई कैलमिटी आएगी तो जो हमारे पुअर लोग हैं, दे वर द फर्स्ट वैनगार्ड, सबसे पहले उनके ऊपर आएगी। एंड द मनी इज अ काइंड ऑफ अ कुशन। मनी आपको थोड़ा टाइम आई थिंक रिस्ट्रिक्ट करता है वो कैलमिटी फेस करने से। सो दिस इज ऑल आई वांट टू से। या थैंक यू, थैंक यू। या देन मे बी रश्मि कैन गो एंड आफ्टर दैट संदीप कैन गो फॉर द क्लोजिंग कमेंट। जी, कोरोना ने हमें ये सिखाया है कि हम बहुत ही मतलब अपने ही एक सर्कल में घूमते जा रहे थे और बिल्कुल होश नहीं था कहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और इसने लाके हमको एकदम पॉज कर दिया। और पिछले 2020 में भी हमने काफी चीजें सीखी और इस बार तो और भी ज्यादा लग रहा है कि हमको अब नए तरीके से सब सोचना समझना चाहिए। बहुत सारी चीजें सब मैटेरियलिस्टिक होती जा रही थी कि बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, ये इस स्कूल में डालना है, उनका ऐसा जॉब होना चाहिए। अब इस समय ये आके लग रहा है कि ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि उनको ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाना, वैल्यू समझाना कि ऐसी सब सिचुएशंस में कैसे आप अब स्ट्रॉन्ग होगे तो आप आगे चल के स्टैंड कर पाओगे। और इनसिक्योरिटी या ये भी बहुत ज्यादा हो गई है, बिल्कुल हर कोई भी चीज क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। तो ये भी सिखाने वाली सारी चीजें हैं, सीखने वाली सारी चीजें हैं कि ये सब देखते हुए भी कैसे खुद को काम और कंपोज रख के और खुद भी आगे बढ़ना है और अपने साथ सभी को आगे बढ़ाना है। थैंक यू। ट्रू ट्रू, वेरी वेरी वेल वर्डेड, वेरी नाइस। थैंक यू जी। मैं तो ये कहूंगा कि अंकित ने जो कहा था उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि इस काल में हमें दोनों एक्सट्रीम्स दिखाई पड़ रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं उनकी अच्छाई और बाहर निकल के आई है, वो अपनी जान की बाजी लगा के भी इलाज कर रहे हैं लोगों की बॉडी को, वहाँ शमशान घाट पे उनको जला रहे हैं। मतलब जो सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो लोग भी खतरा लेके काम कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये एक दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आदमी की बुराई भी बाहर आ रही है निकल के, और सरकारी अस्पताल के अंदर भी इलाज के लिए सरकारी कर्मचारी पहले से बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, एम्बुलेंस
में किसी डेड बॉडी को ले जाना है या किसी मरीज को लाना है, उसमें भी लूट मची हुई है। तो मुझे दिख रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग की दोनों टेंडेंसी है, अच्छी और बुरी, वो अपने एक्सट्रीम पे दिखाई पड़ रही है। ज्यादातर लोग तो न्यूट्रल हैं, वो घरों के अंदर हैं, अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा हमेशा होता ही है। समाज में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। तो अब सवाल ये है कि इससे हम कोई ऐसा सबक सीखेंगे कि हमारी जीवन शैली में, हमारी सभ्यता में कुछ परिवर्तन हो, ये होगा कि नहीं, ये देखने वाला सवाल है। तो मैं, चूंकि प्रोफेसर राजीव संगल यहाँ है, मैं चाहूंगा कि हमारे सत्याग्रह सीरीज में एक दिन थोड़ा आप ही का लेक्चर हो जाए इस पे, कि क्या कोरोना से हमें कोई ऐसी सीख मिल सकती है जिससे कि हम अपनी जीवन शैली से लेके और सभ्यता तक में क्या हम कुछ ऐसे परिवर्तन करने की सोच सकते हैं जिससे हमारा जीवन पहले से बेहतर हो। तो आप अगर इस पे थोड़ा अगर कुछ बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। एक घंटे का पूरा सत्र हम आपका एक दिन रखना चाहेंगे। थोड़ा सा सोचने का वक्त दीजिए कमेंट करने से पहले। हाँ ठीक है, उसमें पूरा एक घंटा आपको नहीं बोलना होगा, उसमें चर्चा भी होगी। हाँ, आधा घंटा। और हम उसमें और दोस्तों को भी बुलाएंगे। अच्छा ठीक है, तो आप बताइएगा अगले हफ्ते या कभी भी। ये तो हमारा डेली सीरीज, ये हाँ ये देख लिया। ये शुरू हुआ था किसान आंदोलन के समय, और पहले तो सिर्फ किसान आंदोलन पे ही बात होती थी, लेकिन अब दूसरे विषयों पे भी बात। ठीक है, थोड़ा सा मैं सोच के आपको बिल्कुल बोलता हूँ। धन्यवाद। और जो लोग आज नहीं बोल पाए उनसे मैं माफी चाहता हूँ। अनिल मिश्रा जी और रविंद्र कुमार और शिखा जी, लेकिन हमारे अवंतिका निरुपमा जी ने कहा है कि वो इस तरह के सत्र और लोगों के साथ आगे कर सकती हैं। तो अगर रुचि हो, हाँ तो अगर रुचि होगी और लोगों की, तो उनके साथ भी इस तरह के सत्र किए जा सकते हैं जैसा हम लोगों के साथ किया गया। ऐसा मत समझिएगा कि हम लोग कोई विशेष थे जो बोल रहे थे और बाकी लोगों को बोलने नहीं दिया गया। तो ठीक है, हाँ हाँ, अब हम This is about self exploration, you know, कि हमें क्या लगता है, हमारी क्या सोच है, इसीलिए और एक घंटे में तीन ही लोग ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली बोल सकते हैं, इसीलिए रखा था। वैसे कोई भी अदर पार्शियलिटी नहीं है, तो हम फिर कितने भी बार जितना भी लोग चाहते हैं हम कर सकते हैं। ठीक ठीक ओके, अब हमें भी समझ में आ गया कि आपकी क्या क्या प्रक्रिया है, तो अब हम उसी हिसाब से फिर और लोगों से बात करेंगे। अगर लोग करना चाहेंगे तो हम और भी सत्र, या अब हम डेढ़ घंटा कर सकते हैं तो पांच लोग आ सकते हैं। जी ठीक है, then everybody can speak, ओके, ऑल राइट, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, यूजफुल रहा, अच्छा सेशन रहा। नमस्कार, ओके, नमस्ते। जो लोग अगली मीटिंग